हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की नाक में दम कर रखा है। लेकिन ये विवाद अभी पूरी तरह से सुलझा भी नहीं था कि समाज सेवी अन्ना हजारे की धमकी ने उद्धव ठाकरे सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। उद्धव सरकार इसलिए ज्यादा सतर्क हो गई है क्योंकि अन्ना हजारे क्या कर सकते हैं ये देश साल 2011 में देख चुका है, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की मुहिम छेड़ अन्ना हजारे ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की पटकथा लिख दी थी। कुछ वैसी ही धमकी अन्ना हजारे ने फिर से दी है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि वो या तो लोकायुक्त कानून बनाएं या फिर सत्ता से बाहर होने की तैयारी कर लें। लंबे अरसे से खामोश रहे अन्ना हजारे ने अचानक से अपनी चुप्पी तोड़ी और उद्धव ठाकरे सरकार सकते में आ गई। यही नहीं, अन्ना हजारे ने पूरे महाराष्ट्र में जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। इसीलिए सियासी गलियारों में ये कयास भरे सवाल भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा आंदोलन शुरू करने के लिए क्या बीजेपी उन्हें पर्दे के पीछे से मदद दे रही है। हालांकि या तो आंदोलन शुरू होने के बाद ही सामने आएगा कि वो कितने बड़े स्तर पर होता है और उसके लिए संसाधन कौन जुटाता है, पर अपने गृह जिले अहमदनगर में अन्ना हजारे ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान करके उद्धव ठाकरे सरकार की सिरदर्दी तो बढ़ा ही दी है। दरअसल अन्ना के दावे के मुताबिक 2.5 साल पहले महाराष्ट्र की सत्ता में आई महाविकास अघाड़ी सरकार ने लोकायुक्त कानून बनाने का उन्हें लिखित आश्वासन दिया था। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी उसने इस बारे में कोई ठोस पहल नहीं की है। अन्ना हजारे पिछले 4 दशक से महाराष्ट्र में शराब माफिया और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते रहे हैं और साल 2011 में जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सशक्त जन लोकपाल कानून बनाने के लिए दिल्ली आकर आमरण अनशन किया तो देश भर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उसी आंदोलन के जरिए कई नए चेहरे सक्रिय आंदोलन में कूदे, जिसमें सबसे बड़ा नाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है। खास बात यह है कि उसी आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जो 2014 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह सरकार की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने का सबसे बड़ा औजार साबित हुआ। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार मानते हैं कि पिछले 2 साल से अपने गाँव रालेगढ़ सिद्धि में ही रह रहे अन्ना हजारे ने आंदोलन छेड़ने का फैसला अचानक से नहीं लिया है, बल्कि इसके लिए उनकी एक सोची समझी रणनीति है। चूंकि अन्ना हजारे की छवि आज भी एक विश्वसनीय चेहरे की है, इसलिए उन पर आसानी से कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि वे किसी और ताकत के इशारे पर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अहमदनगर में मीडिया से बात करते हुए अन्ना हजारे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त अधिनियम के तहत 7 बैठकें हुई पर 2 साल बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। राज्य के 35 जिलों में हमारी कमेटियां बनाई गई हैं, एक बार फिर से राज्य में जन आंदोलन की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।